हेलो हेलो फ्रेंड्स, चलो सुबह का टाइम है तो मैं कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ। जो भी है ना, हमने सारी तैयारी करके रख ली है, जैसे लौकी कद्दू कस करके रख ली है। तो गैस को मैं चालू कर देती हूँ। गैस मैंने चालू कर दी है फ्रेंड्स, उसमें ऑयल डाल देती हूँ जितना हमें जरूरत के अनुसार। तो हमने ऑयल कर दिया है, बाकी वाले काम करके तैयारी करती हूँ। तो हमने लौकी वगैरह निचोड़ के रख लिए, जैसे हमें अपने जरूरत के अनुसार। इसमें चम्मच भी, तो इसकी चम्मच की सहायता से। तो हमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब बेसन का ही फ्लेवर ज़्यादा आएगा, फिर थोड़ा ही ऐड करना है इसमें। तो मैंने 4 चम्मच कर लिए हैं पूरा भर भर के। बंद कर देती हूँ, साथ में लगाती भी जाऊंगी। पानी भी रख लिया है, जो भी है हमारे। थोड़ा मैंने नमक डाला है, हल्दी भी डाला है, थोड़ा सा मिर्ची भी ऐड किया है, थोड़ा अजवाइन को क्रश करके अजवाइन भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो पानी करके इसमें चम्मच की सहायता से पहले मिला लेते हैं, मतलब हमें लगेगा कम ज्यादा उसके हिसाब से फिर अपना ऐड करेंगे। वैसे भी पानी ज्यादा ही होता है, वैसे निचोड़ ली थी मैंने, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा हमने सारे मसाले भी डाल दिए हैं। वैसे हमें सब्जी में भी डालना है, जरा सा पानी डालूंगी फिर इसको। ये 5 मिनट के लिए हमें ढक के रखना है सेट करने के लिए, उसके बाद देखते हैं। पानी की जरूरत पड़ेगी तो डालेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं डालेंगे।
हमने कच्ची वाली मूंगफली भी ले ली है, थोड़ा मतलब छोटे छोटे पीसों में कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो भी नहीं खाएगा ना मुनिया से अटता रह जाएगा। चलो चलते हैं, तो ये मिलाते हैं। तो हमारा ये सेट हो गया है, 5-10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था ढक करके। तो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, बेसन फूलता है थोड़ा थोड़ा। तो हमारा सेट भी अच्छे से हो गया है। अब हमें पानी की जरूरत नहीं, तो पानी हम साइड में रख देंगे। तो ये मैंने ग्रेवी बना के रख ली है टमाटर की, ये है मेरी प्याज वाली। तो सारा तैयारी करके रख दी। सबसे पहले मैं पकौड़ों को तल लेती हूँ। ऑयल मैंने करके रख दिया था, तो हमारा ऑयल भी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे को छोड़ लूंगी इसी तरीके से, एकदम मीडियम पे करना है, नहीं तो हमारे कच्चे भी रह सकते हैं। मीडियम पे करके बहुत अच्छे से सेकना है हमको क्रस्टी। बेसन तो हमें ना के बराबर ही डालना है इसमें, नहीं तो टेस्ट सारा बेसन का ही आएगा, नहीं तो लौकी का बहुत कम आएगा। इसी वजह से हमें डालना ही बहुत कम है। तो हमने सारे पकोड़े छोड़ लिए हैं।
तो जो हमने आलू के गोले बना के रखे थे ना ये वाले, उसके लिए हम बेसन तैयार कर रहे हैं। तो इसमें नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हल्दी, जैसे हमें जरूरत के अनुसार। वैसे हमने आलू की चटनी में सब कुछ डाला था, तो फिर भी थोड़ा सा डाल दें। ये मिर्ची हो गई, ये हम प्रेस करके अजवाइन भी डाल देती हूँ, जैसे पेट के लिए तो बहुत मतलब अच्छी रहती है। अजवाइन वगैरह नुकसान वैसा नहीं करते हैं, गैस वैसे बनाता है ना गैस, तो इस वजह से बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए। तो वैसे भी सब्जी बनाओ ना तो तड़के में दो चार फूल डालना चाहिए। तो इसमें पानी अपनी जरूरत के अनुसार, वैसे हमें गाढ़ा ही चाहिए, इनको हम पलटते हैं थोड़ा सा दोनों साइड, काम चलता रह रहा है। उसी तरीके से इसको मिला लेंगे। बहुत अच्छे से फेंटते रहना है, गुठलियां पड़ जाती है ना फिर। तो हम इसमें प्याज वगैरह जो भी है कोई चीज नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने चटनी में भी डाल लिया ना सारा धनिया वगैरह प्याज सब ऐड कर लिया है। तो मैं 10 मिनट के लिए इसको भी छोड़ देती हूँ फूलने के लिए, साइड में रखती जाऊँ। तो फ्रेंड्स हमारे सेक करके हो गए रेडी, तो इनको निकाल लेते हैं निचोड़ के। तो तेल मुझे कुछ ज्यादा लगने लगा तो मैंने कुछ निकाल लिया इसमें, इसको इस पर रख देते हैं। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, जीरा डाल देती हूँ। हमारा प्याज और ये पिस के रखा है टमाटर का पेस्ट, तो जीरा मेरा चटकने के बाद तो प्याज मेरी गोल्डन हो गई है। तो उसके बाद में टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। तो सारे को मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से पकाना है, पानी वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टमाटर में बहुत सारा पानी निकलता है, उसी से पक जाएगा।
हमारी फ्रेम से ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब मैं जो हमने पकोड़े बना के रखे थे ना उसको ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छे से इसको सारों को मिला लेंगे, उसके बाद में मसाला वगैरह ऐड कर देंगे। तो हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, ये हमारी हल्दी हो गई, नमक ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको सारे को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तो हमको पानी भी उतना ही मिलाना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन के हो गई है रेडी। तो हम धनिया का पत्ता डाल देते हैं।